हेलो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल डी एच एन। तो दोस्तों, एक बार फिर से एक और खूबसूरत घर का नक्शा हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फीट चौड़ा ये प्लॉट है, मतलब और 30 फीट लंबा है ये, इसकी जो लंबाई है। मेन एंट्रेंस की अगर बात कर ली जाए तो मेन एंट्रेंस में इसका फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और नीचे से आपको मेन एंट्रेंस मिल जाती है जो कि प्लॉट के आधे हिस्से में इसकी मेन एंट्रेंस होती है, जिसमें से आपकी कार पार्किंग तो नहीं हो सकती लेकिन दो बाइक का ईजिली आप इसे पार्क हो सकते हैं। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया गया है, ऊपर के फ्लोर पर अभी काम नहीं हुआ है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसके ऊपर के फ्लोर भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की डिटेल्स को जानना। इसके ग्राउंड फ्लोर की डिटेल्स जानने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। किसी भी तरह की कोई कमी लगे तो प्लीज़ लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे आप इसकी मेन एंट्रेंस की बात कर ली जाए तो मैं बताना चाहता हूं कि जिसमें जितनी भी दीवारें हैं सारी की सारी 4 इंच में ली गई है, जिसमें से अगर आप 4-4 इंच की 3 दीवारें आगे लगाते हैं तो आपको लगभग लगभग 11 फीट की जगह ही मिल पाती है। इसमें हमें 5.5 फीट की मेन एंट्रेंस रखी है और 5.5 फीट का जो अंदर के लिए जगह रखी है, जो कि कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। 5.5 फीट में आपको लगभग लगभग 2.5 फीट की स्टेयर ऊपर नीचे से ऊपर जाने के लिए मिल जाती है, और उसके बाद आपकी मेन एंट्रेंस यहाँ से हो जाती है। तो आप देख लीजिए, यहाँ से जैसे आप एंट्रेंस होती है तो आपको इस कॉर्नर पे टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ है वो 5.5 फीट चौड़ा है और 4 फीट लंबा है आगे से पीछे अगर देखा जाए तो, और इसके ऊपर की जो थोड़ी सी स्पेस जगह छोड़ी गई है ताकि हाइट ज़्यादा अच्छी नहीं रखी गई, ताकि ऊपर की जगह स्टोरेज के लिए यूज़ की जा सके। बात अगर बाथरूम की वेंटिलेशन की है तो यहाँ पर हमने विंडो लगा दी गई है, इस तरफ भी विंडो लगा दी गई है। उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले पीछे वाले कमरे की बात कर लेते हैं। पीछे वाले कमरे की जो लंबाई है वो है 10 फीट लंबा है ये कमरा। अगर चौड़ाई की बात कर ले तो पूरे मकान में ही चौड़ाई इतनी ही बचती है, जैसे कि 11 फीट 4 इंच के करीब। 11 फीट 4 इंच चौड़ा और 10 फीट लंबाई आपको कमरा में ज़्यादा काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर मतलब इसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें सारी रखी जा सकती हैं, और आपका मतलब काफ़ी आकर्षक कमरा भी बन सकता है। जैसे आप कमरे के बाहर की तरफ आते हैं तो आप एक नैरो लंबा सा स्पेस मिल जाता है जो कि बाथरूम की तरफ जाता है, और एक साइड में लेफ्ट में जब आप देखें तो आपको किचन मिल जाता है। आगे पीछे की जगह सेट करने के बाद जो भी जगह बचती है वो किचन के लिए काम आएगी। जैसा कि हमने बताया कि एक कमरे की जो लंबाई है वो 10 फीट है, और बात स्टेयर की जो हमने स्टेयर के लिए जगह यूज़ करी है वो है 11 फीट लंबी आगे की 9 इंच की दीवार छोड़ने के बाद। तो दोस्तों, बीच में काफ़ी स्पेस बच जाता है जिसमें आपको ओपन और काफ़ी मॉडरेट किचन मिल जाता है, जो कि काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये था इसके ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर के फ्लोर का डिज़ाइन तैयार करना, या फिर इसमें किसी भी प्रकार की आपको कमी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में किसी भी तरह की कमी न रख पाएँ। अभी के लिए इसका मेन फ्रंट कुछ इस तरीके का ही दिखाई देगा। जैसे आप उसके ऊपर के फ्लोर बनाएंगे तब इसका मेन फ्रंट और भी आकर्षक होता जाएगा। ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने डिज़ाइन ही पसंद आया है तो। इसके ऊपर के फ्लोर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो इसके बाद फिर हम आपसे एक बार फिर से अलविदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।